हरियाणा के नूह में हुई हिंसक वारदात के बाद अब पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। यहां पर आरोपियों को रखा गया है नूह के सदर पुलिस थाने में और एक दिन की रिमांड थी। ऐसे 19 आरोपी यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया है हमारी बाइक। आप उस समय कहाँ पर थे? मैं हीरो टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था और 3:30 बजे तक मैं कंपनी में था, तो मुझे हमें पता चला हमारा एक गोदाम था बाइक। बाकी के लोग जो आपके साथ पता नहीं मुझे कहाँ के, मैं खुद ध्यान ना कहूँ। मैं हीरो में जॉब करता हूँ, हीरो सुनील मोटर्स में। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम तरीके से यहाँ अपने अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। हाँ जी, आदिल। आखिर क्या कर रहे थे उस समय जब ये इतनी वारदात हुई? कुछ नहीं, हम नहीं है जी। हाँ, कहाँ रहते हो? मुरादबाद। बेकसूर है, बेकसूर है। अच्छा, कितने लोग थे साथ में उस समय तुम्हारे? हम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? सर, अभी दुकान में दुकानदार हूँ, 10 बार सर। अच्छा, तो ये तमाम वो लोग हैं, एक दिन की रिमांड इनकी, और ऐसे में 19 लोग हैं यहाँ पर जिनसे अब आगे की कार्रवाई होगी। और कुछ और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ आरोपी यहाँ इसी सदर थाने में रखे गए हैं और इस तरफ बाकी के आरोपी दिखाई दे रहे हैं हमें जिन्हें रखा गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार ये कह रही है कि जितने भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया है कि जिस तरह की भी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है उसमें नुकसान की भरपाई ऐसे आरोपियों से भी की जाएगी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसक वारदात के बाद अब पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। यहां पर आरोपियों को रखा गया है नूह के सदर पुलिस थाने में और एक दिन की रिमांड थी। ऐसे 19 आरोपी यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया है हमारी बाइक। आप उस समय कहां पर थे? मैं हीरो टेक्नीशियन हूँ। मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था और 3:30 बजे तक मैं कंपनी में था, तो मुझे हमें पता चला हमारा एक गोदाम था बाइक। बाकी के लोग जो आपके साथ पता नहीं मुझे कहाँ के, मैं खुद ध्यान ना कहूँ। मैं हीरो में जॉब करता हूँ, हीरो सुनील मोटर्स में। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम तरीके से यहाँ अपने अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। हाँ जी, आदिल। आखिर क्या कर रहे थे उस समय जब ये इतनी वारदात हुई? कुछ नहीं, हम नहीं है जी। हाँ, कहाँ रहते हो? मुरादबाद। बेकसूर है, बेकसूर है। अच्छा, कितने लोग थे साथ में उस समय तुम्हारे? हम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? सर, अभी दुकान में दुकानदार हूँ, 10 बार सर। अच्छा, तो ये तमाम वो लोग हैं, एक दिन की रिमांड इनकी, और ऐसे में 19 लोग हैं यहाँ पर जिनसे अब आगे की कार्रवाई होगी। और कुछ और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ आरोपी यहाँ इसी सदर थाने में रखे गए हैं और इस तरफ बाकी के आरोपी दिखाई दे रहे हैं हमें जिन्हें रखा गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार ये कह रही है कि जितने भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया है कि जिस तरह की भी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है उसमें नुकसान की भरपाई ऐसे आरोपियों से भी की जाएगी।